भी लाके सबसे पहले तो ऑडियंस को बताइए कि फिल्म किस तरह की होने वाली है सबके लिए और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस फिल्म में। फिल्म का तो ये है कि फिल्म की अभी तो शुरुआत है, फिल्म के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिल्म में फुल रोमांटिक है, ड्रामा है, टशन है, जो पंजाबी फिल्म में हमेशा टशन और कुछ हटके मिलेगा, कुछ अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। और अभी तो शुरुआत है, गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, ढोलिया ढोल बजा आज मुहूर्त है उसका। तो बाकी फिल्म के बारे में जैसे जैसे फिल्म प्रोसेस में चलती जाएगी, फिल्म के बारे में हम कुछ ना कुछ रिवील करते जाएंगे। सर पोस्टर में काफ़ी सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो क्या उसी तरह की फिल्म होने वाली है? तो फिल्म से है ही मेला, मेले से शुरू होती है, बैर मेले का है, तो नेचुरली है मेले से शुरू होती है और मेले से बैर हो जाता है, तो बैर जो जो मेले की जो टशन है वो हम लोगों ने फिल्म में दिखाया। सर कॉन्सेप्ट किस तरह से ध्यान में आया, हमें इस तरह की फिल्म बनानी, हाँ जी, ये किस तरह से शुरुआत कैसे हुई? शटरों पर शुरुआत देखिए, आजकल क्या चल रहा है, पब्लिक को क्या चाहिए आजकल, पब्लिक वो स्टोरी जो कहानी बनाते थे, कहानी है, कहानी को रिवील करना, ये अभी पब्लिक को वैसा नहीं चाहिए। पब्लिक के साथ जो आजकल हो रहा है, क्या कैसे होता है, आज आम आदमी पब्लिक के बीच में जाता है तो कभी कहीं ना कहीं कुछ टकरा भी जाता है, टशन ले लेता है, तो उस तरह का है ये कुछ। पूरा ज़्यादा तो मैं फिल्म के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, रियल में होगी, रियल में ही होगी, क्योंकि आजकल जो भी है आप पब्लिक, अभी बनावटी जो होते थे सेट लगाओ ये करो वो करो, उन चीज़ों से दूर हो गई है, चीज़ को सब पब्लिक को सब नेचुरल चाहिए। हाँ जी, मतलब वो तो आप फिल्म देखने के बाद ही बता सके, जब आप फिल्म देखेंगे हमारी, कि हमारी मेला में क्या है, बैर मेलेदार, ये फिल्म मेला नहीं है, बैर मेलेदार, फिल्म का नाम है बैर मेलेदार, तो आप फिल्म देखेंगे तो ही आप जान पाओगे। तो ये पंजाबी फिल्म है, तो पंजाबी फिल्म जिस तरह से कहाँ पे पंजाब में शूट की जाएगी, और कौन सा मेला होगा जिस मेला को आप कवर करेंगे इस फिल्म के लिए? इसके लिए देखिए, इसमें मेला कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, और फिल्म जो है वो पूरी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा यहाँ पे ये शूट होगी। कब से टूर जा रहे हैं? नेक्स्ट मंथ, दशहरे के आसपास। कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कास्टिंग आपने किस बिना पे की है, किरदारों की मैं बात तो आप जब कहते हैं रियल स्पेस में, हाँ, तो एक्टर भी उस कैलिबर के होना चाहिए ना? होंगे, जैसे अनाउंसमेंट होगी आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कौन से करेक्टर हैं, और रियली होंगे और अच्छे होंगे और अच्छी स्टार कास्ट होगी और हटके होगी। पंजाबी सिनेमा की मैं बात करूँ या रीजनल सिनेमा की बात करूँ, एक नया इतिहास रच रहा है रीजनल सिनेमा, चाहे आप खैराट की बात कर लीजिए, चाहे आप कैरी ऑन जट्टा की बात कर लीजिए, जब अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लोग उस तरफ रुख कर रहे हैं पंजाब की तरफ, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर माही गिल की आप बात कर लें और धर्म जी भी वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये एक नई चढ़ान पे है पंजाबी इंडस्ट्री, तो कमर्शियली क्या देख रहे हैं आप, कमर्शियली एस्पेक्ट क्या होगा फिल्म? नहीं, कमर्शियली अच्छा ही होगा, अच्छी बात है, अगर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज में फिल्म्स अगर हिट हो रही है, आपकी जो लैंग्वेज है उनका प्रमोशन हो रहा है, अच्छी बात है ये सिनेमा के लिए भी, और हिंदी ऐसा नहीं है कि हिंदी पीछे जा रहा है, हिंदी भी अपनी जगह पे है, रीजनल अपनी जगह पे है, तो सारी जितनी भी लैंग्वेज चाहे मराठी हो चाहे पंजाबी हो अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जगह बना रही है, ये अच्छी बात है। सर आज जो गाना रिलीज हो रहा है उसके बारे में बताइए, किसकी आवाज़ में होने वाला है ये गाना? गाना आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जसविंदर नेरुला के आवाज़ और शाहिद मालिया, उनकी दोनों की आवाज़ है उसमें, गाना बहुत अच्छा है, ढोलिया ढोल बजा, पूरा मेले का जो उसमें फ्लेवर है, तो इस तरह से ये गाना आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये रोमांटिक सॉन्ग होगा या फिर? रोमांटिक भी बोल सकते हैं, रोमांटिक बोल सकते हैं, लेकिन एक फुल एंटरटेनमेंट सॉन्ग। वैर का हिंदी में नहीं है, वैर वाला दुश्मन, वैर का मतलब दुश्मन। थैंक यू। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनका कॉन्सेप्ट था, तो मतलब चलो सब मिल के बना डालते पिक्चर फिर, और क्या। सर आप ही आना चाहेंगे, जैसे तुम्हें ने बताया कि कॉन्सेप्ट आपका था, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हालांकि हम बात कर चुके हैं अभी राइटर से, लेकिन आपकी जुबान ही जानना चाहूँगा। नहीं, कॉन्सेप्ट एक है कि पंजाब में एक फैशन है कि वहाँ पर जितने भी फैशन वाली कोई फिल्म बनती है ना तो सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो मेरे को भी अच्छा लगा, कंसर्ट है दोनों, तीन फैमिलियों का आपस में
ये झगड़ा चल रहा है, तो झगड़े के ऊपर हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं। ओके, दशन से आप कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ दो लोगों में टकराव हो, कशनबाजी हो। दशन ऐसा है कि जट्टों में क्या होता है ना, जट्टों का एक अपना ख्वाहिश है, जब भी वो चाहते हैं ना कि अगर मेरे पास मैं मेरे से आगे कोई चल ना सके, जो मैं करूँगा बस मैं ही हूँ, बस मैं। उनका ये कहावत था कि पंजाब में कि हम लोग जो है ना गन्ना नहीं देंगे, गुड़ की बेली दे देंगे। कभी भी जो है ना एक छोटी मोटी चीज करो नहीं, बढ़ के चलना बस। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। बहुत सीरियस कास्टिंग, आपने कास्टिंग के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, कास्टिंग सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कास्टिंग का चालू है अभी। इस बात का कितना ध्यान रख रहे हैं कि बाकी फिल्मों से सेम ना लगे? जैसे आपने कहा कि कशन की जो फिल्में हैं पंजाब में बड़ी पसंद करी जाती हैं और कामयाब भी होती है। हाँ, कामयाब भी कशन की। तो आप क्या ध्यान रख रहे हैं कि बातों का, कि कोई ये ना कहे कि ये उसकी कॉपी है या उसे? नहीं, इसमें बहुत हमें मालूम है कि इसमें जो किसी कॉपी नहीं लगेगी, ये पिक्चर किसी कोई कॉपी नहीं है, लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। एक मेले में है कि एक भाई बहन के सामने उसका भाई मार दिया जाता है, बस उसी में उनकी दोनों की ठसन चल जाती है। और आज के यूथ को देखते हुए ये पूरा कंटेंट बना है कि कुछ ऐसा सिमिलर ना लगे? तो नहीं, मुझे ना सानो सरदार भी याद आती है जब हम इस तरह की बात करते हैं खानदानी दुश्मनी की, क्या उसमें कुछ समानताएं होंगी, सिमिलरिटी होंगी? नहीं, पृष्ठभूमि तो पंजाब की रहेगी, तो वहाँ की जो खुशबू है और वहाँ का जो फीलिंग है वो तो किधर भी बनाओ पिक्चर, कोई भी सब्जेक्ट आने दो, वो फील तो थोड़ा थोड़ा बहुत आ ही जाता है। पंजाब को तो छोड़ के जाने, पंजाब को तो छोड़ के बाहर निकल नहीं सकते ना। यकीन है आप नहीं कर सकते, लेकिन सनो सरदार की कहानी कुछ अलग है, उनका जो है ना वो एक मुद्दा अलग था, ये अलग है। ये यहाँ पर क्या है, मेले में जो है ना उस भाई के सामने बहन के मर्डर हो जाता है, तो मर्डर के रेंज लेने के लिए बहन ही उसके बोलती है मैं जो है ना इसका खून मैं अपने हाथ से करूँगी, लेकिन वो खून करने के चक्कर में उससे प्यार कर बैठे। और घर वाले जो बोलते हैं कि भी तुम या तो जो हमने कसम खाई थी वो कहाँ गई तुम्हारी, तो इस पैटर्न में ये लोग लेके जा रहे हैं। ओके, फिल्म फ्लोर पे कब लेके जा रहे हैं आप लोग, कब रिलीज की प्लानिंग? फिल्म फ्लोर पे शायद नेक्स्ट मंथ में हम शूट पे चले जाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं कुछ नहीं, जो इन्होंने बताया वही। थैंक यू सो मच। किया है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और राकेश जग्गी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। और इस फिल्म के नाम से आपको थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया होगा, वैर क्या होता है, लड़ाई का, है ना, दुश्मनी। तो ये डेफिनेटली थोड़ा दमदार और यू नो खमदार होना चाहिए म्यूज़िक। तो इसमें जो गाने हैं जो मैं गा रही हूँ वो उसी तरह के हैं, इसीलिए शायद मुझे चुना गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसमें दम खम हो। तो बहुत ही प्यारा गाना था कि टोलिया टोल वजा मेरी चम दी, मतलब मेरी चमड़ी की बना दे जूती और फिर उसे अपने पाँव में डाल ले और फिर ढोल बजा। मतलब क्या, देखिए क्या अल्फाज हैं और क्या उसकी डेप्थ है कि वो कहती है कि मेरी चमड़े की चप्पल बना के तुम पाँव में पहनो और फिर ढोल बजा। तो ऐसा कुछ है, और बहुत ही खूबसूरत धुन है, और हमारे इसमें जो म्यूज़िक का जिन्होंने पूरा इसको बांधा है वो राज हैं हमारे पुराने, राज सेन। बहुत पहले से मैंने बहुत गाया इनके लिए, और ये म्यूज़िकल परिवार से हैं, आप लोग जानते ही हैं सब, दिलीप सेन समीर सेन फैमिली, तो ये उन्हीं की फैमिली से हैं। और बहुत अच्छे अच्छे गाने पहले भी गवाए इन्होंने मुझे, और आज भी ये बहुत साल के बाद इन्होंने फिर दीदी को याद किया और कहा कि ये तो गाना दीदी आप ही गाएंगे। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब, खासकर दुर्गा जी, शायद उनका ये था कि ये तो दीदी ही गाएंगी।
तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनने वाली है। आजकल पंजाबी फिल्में वैसे भी बहुत कमाल की बन रही हैं और बहुत उनमें इतना रस है फिल्मों के अंदर कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि बहुत ही शिद्दत से और मेहनत से बना रहे हैं लोग। हमने देखा है कि बहुत ही कम गाने को आप अपनी आवाज़ देती है, तो इस गाने में क्या खास बात थी और क्या खास बातें देखती है जब किसी भी गाने को अपनी आवाज़ देनी होती है? डेफिनेटली गाने में गाना अच्छा हो, गाने में हर इंसान हर आर्टिस्ट जो है वो चाहता है कि वो अच्छा धुन अच्छी चीज़ गाए। लेकिन मुझे ऐसा होता है कभी कभी गाने में उतनी जगह नहीं होती, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। और मुझे इतना मालूम है कि राज ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ बहुत बार किया है कि बहुत ही सरल धुन, लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने और अलग अलग कुछ वेरिएशंस देके उसको गाने को उसके स्वरूप को ही बदल दिया और बहुत बेहतरी के लिए, बहुत खूबसूरत लगा वो। जो मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट्स करना जब मैं गाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो गवाए उनके जो जहन में हैं वो मद्देनज़र रखते हुए मैं उसमें बहुत कुछ अपना क्रिएट करती हूँ। जो मेरा कुछ नहीं है, है तो सब ईश्वर का, वही क्रिएट करवाता है जो भी करता है। लेकिन जो भी कुछ होता है वो इतना अच्छा होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब पसंद करते हैं। और फिर इसलिए ही आज जो हूँ मैं वो इसी वजह से। मैम, इन दिनों म्यूजिक की परिभाषा बदल गई है, गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसकी कितने फेवर में है आप और क्या मतलब एवरग्रीन गानों को रिक्रिएट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या ठीक है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदलाव आता ही है और आ रहा है। फीमेल गाने मेल गा रहे हैं तो एकदम से एक झटका तो लगता है, और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यू कैन कंपेयर एप्पल्स और ऑरेंजेस कहते हैं ना, उस कंपेयर नहीं कर सकते। पुराने सिंगर्स की बात अपनी थी और इतने मंझे हुए इतने सब, आज के नई पीढ़ी के बहुत अच्छे भी हैं और कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी चल रहे हैं, और फिर भी चले कुछ नयापन आ रहा है। ईश्वर करे कि वो बेहतरी के लिए ही हो और बेहतर लगे, अच्छा लगे, क्योंकि आज की जो जेनरेशन है वो बहुत ही छोटी उम्र की जेनरेशन सुन रही है उसको और वो उसको पॉपुलर कर रही है, तो अब उस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते, इसको तो ईश्वर ही बदल सकता है। तो जो बदलाव है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, एनी मैसेज फॉर योर ऑडियंस? बस मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि अच्छा संगीत सुनिए, सूदिंग संगीत सुनिए, और संगीत जो है वो साक्षात ईश्वर है। तो अगर आप अच्छा संगीत सुनेंगे तो कानों को मधुर संगीत जब सुनने में आएगा तो एक तरह से मेडिटेशन होती है, तो वो ईश्वर का आप नाम लेते हैं जब अच्छा संगीत सुनते हैं, अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं। उसके साथ मिलाने वाला सिर्फ एक माध्यम है, वो है संगीत। तो अच्छा संगीत सुनिए ताकि आप सब ईश्वर के साथ जो है एक डायरेक्ट लिंक बना सके, यही मेरा मानना है। धन्यवाद। दो लाइनें अगर इस गाने की गुनगुना दे आप हमारी ऑडियंस के। मेरे चमदिया क्या था लफ्ज मुझे भूल गए, मेरे चमदिया मेरे चम दिया चन्ना वे बना के जुतियां वे तो छम छम मेरे चम दिया चन्ना वे बना के जुतियां वे तो छम छम पैरी पा हो टोलिया टोल वजा वे टोलिया टोल वजा हो टोलिया टोल वजा टोलिया टोल वजा। थैंक यू मैम। जो है गाना लोगों के सामने आ चुका है, मैम ने गाया है, क्या कहेंगे, क्या खास बात थी इस गाने की? और इस गाने में खास बात ये है कि मेरी जो दीदी है जसवंत निरुला जी, हम लोग 15-16 साल के बाद वापस मैं मिला हूँ इनसे, और इस फिल्म में ये पंजाबी फिल्म है वेरजा मेला,
और दीदी का मुझे बहुत सपोर्ट है इस पिक्चर में और पूरा योगदान है। और पंजाबी लैंग्वेज है, मैं हूँ मारवाड़ी तो, और इनका छोटा भाई हूँ मैं तो, मुझे म्यूज़िक में भी हेल्प कर रहे हैं, राइटिंग में भी, और मेरा मतलब बड़ी बहन है तो मुझे बहुत इनका सपोर्ट और बहुत अच्छा आज इन्होंने गाना गाया। और मैं चाहता हूँ कि भगवान इस गाने को बहुत पसंद करें, और उसमें मुझे मौका दिया है दुर्गा सिंह जी और गणपत जी और उत्तम जी ने, और वो प्रोड्यूसर हैं, और राकेश जगी जी हमारे जो डायरेक्टर हैं, और फिल्म पूरी म्यूजिकल फिल्म है, एक्शन फिल्म है और रोमांटिक भी है। कौन से सिचुएशन में आने वाला है ये गाना और कितने गाने? ये गाना तो अभी डायरेक्टर साहब बताएंगे, मेले की सिचुएशन है उसमें आएगा ये। और कितने गाने होंगे इसमें? 5 गाने हैं और 3 रोमांटिक सॉन्ग है, 1 आइटम सॉन्ग है, 1 टाइटल सॉन्ग है। थैंक यू सर। देखो थोड़ा सा पहले से मैंने बहुत गाया इनके लिए और ये म्यूजिकल परिवार से हैं, आप लोग जानते ही हैं सब, दिलीप सेन से सेन फैमिली तो ये उन्हीं की फैमिली से हैं। और बहुत अच्छे अच्छे गाने पहले भी गवाए इन्होंने मुझे, और आज भी ये बहुत साल के बाद इन्होंने फिर दीदी को याद किया और कहा कि ये तो गाना दीदी आप ही गाएंगे। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब खास कर दुर्गा जी शायद उनका ये था कि ये तो दीदी ही गाएंगी। तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनने वाली है। आजकल पंजाबी फिल्में वैसे भी बहुत कमाल की बन रही हैं और बहुत उनमें इतना रस है फिल्मों के अंदर कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि बहुत ही शिद्दत से और मेहनत से बना रहे हैं लोग। Right. हमने देखा है कि बहुत ही कम गाने को आप अपनी आवाज़ देती है, तो इस गाने में क्या खास बात थी और क्या खास बातें देखती है जब किसी भी गाने को अपनी आवाज़ देनी होती है? डेफिनेटली गाने में गाना अच्छा हो, गाने में हर इंसान हर आर्टिस्ट जो है वो चाहता है कि वो अच्छा धुन अच्छी चीज़ गाए। लेकिन मुझे ऐसा होता है कभी कभी गाने में उतनी जगह नहीं होती, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। और मुझे इतना मालूम है कि राज ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ बहुत बार किया है कि बहुत ही सरल धुन, लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने और अलग अलग कुछ वेरिएशंस देके उसको गाने को उसके स्वरूप को ही बदल दिया, बहुत बेहतरी के लिए, बहुत खूबसूरत लगा वो, जो मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट्स करना। जब मैं गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो गवाए उनके जो जहन में है वो मद्देनज़र रखते हुए मैं उसमें बहुत कुछ अपना क्रिएट करती हूँ। जो मेरा कुछ नहीं है, है तो सब ईश्वर का, वही क्रिएट करवाता है जो भी करता है। लेकिन जो भी कुछ होता है वो इतना अच्छा होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब पसंद करते हैं। और फिर इसलिए ही आज जो हूँ मैं वो इसी वजह से। मैम, इन दिनों म्यूज़िक की परिभाषा बदल गई है, गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसके कितने फेवर में हैं आप और क्या मतलब एवरग्रीन गानों को रिक्रिएट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदलाव आता ही है और आ रहा है। फीमेल गाने मेल गा रहे हैं तो एकदम से एक झटका तो लगता है, और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, यू कैन कंपेयर एप्पल्स और ऑरेंजेस कहते हैं ना, उस कंपेयर नहीं कर सकते। यार पुराने सिंगर्स की बात अपनी थी और इतने मंझे हुए इतने सब, आज के नई पीढ़ी के बहुत अच्छे भी हैं और कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी चल रहे हैं, और फिर भी चलें, कुछ नयापन आ रहा है, ईश्वर करे कि वो बेहतरी के लिए ही हो और बेहतर लगे, अच्छा लगे। क्योंकि आज की जो जेनरेशन है वो बहुत ही छोटी उम्र की जेनरेशन सुन रही है उसको और वो उसको पॉपुलर कर रही है, तो अब उस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते, इसको तो ईश्वर ही बदल सकता है। तो जो बदलाव है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, एनी मैसेज फॉर योर ऑडियंस? बस मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि अच्छा संगीत सुनिए, सूदिंग संगीत सुनिए,
और संगीत जो है वो साक्षात ईश्वर है, तो अगर आप अच्छा संगीत सुनेंगे तो कानों को मधुर संगीत जब सुनने में आएगा तो एक तरह से मेडिटेशन होती है, तो वो ईश्वर का आप नाम लेते हैं जब अच्छा संगीत सुनते हैं, अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं, उसके साथ मिलाने वाला सिर्फ एक माध्यम है, वो है संगीत। तो अच्छा संगीत सुनिए ताकि आप सब ईश्वर के साथ जो है एक डायरेक्ट लिंक बना सके, यही मेरा मानना है। धन्यवाद। दो लाइनें अगर इस गाने की गुनगुना दे आप हमारे ऑडियंस को। मेरे चमदिया क्या था लफ्ज मुझे भूल गए, मेरे चमदिया चन्ना वे बना के जुतियां वे तू छम छम किसी का फोन बजा। मेरे चमदिया चन्ना वे बना के जुतियां वे तू छम छम पैरी पा हो टोलिया टोल बजा वे टोलिया टोल बजा हो टोलिया टोल बजा टोलिया टोल बजा। सर आज के गाने के बारे में बताएं कि क्या गाना, क्या टोन, क्या मूड। बहुत ही सोहना गाना गाया जी मैं आज, और मतलब फन है, मस्ती है, रोमांस है गाने के बीच। सब तो सोनी गल है, मेरा पहला गाना जसपिंदर नरोला जी नाल हैगा, तो मैं बड़ा खुश हाँ कि उन्होंने नाल मैं गाने का मौका मिले। बाकी मैं इस पूरी टीम नू मेरे वालों बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, प्रोड्यूसर सारे साढ़े गणपत दुर्गा ते उत्तम जी, तो म्यूजिक डायरेक्टर राज सेन, गाना लिखा हैरी ने, तो साढ़े डायरेक्टर जोड़े हैं राकेश जगी, उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाओं, तो धन्यवाद। थैंक यू।